तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रहता है, कटोरी पट्टी साइड का पार्ट कैसे हम ऐड करते हैं, जॉइन करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो मैंने देखो लाइनिंग वाला कटोरी लिया है, ये जो ब्लाउज़ है मैं लाइनिंग वाला सी रही हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से कटोरी को जॉइन कर लिया है लाइनिंग के साथ। फिर जो साइड में एक्स्ट्राज रहते हैं उसको कुछ इस तरह से मैं कट कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हो कि फिनिशिंग एकदम प्रॉपर आई है। फिर मैं कटोरी का जो ओरिजिनल शेप होता है वो मैं दे रही हूँ, तो पौने तीन इंच मैं लेंथ में ले रही हूँ और 1.25 इंच मैं डाउन से पकड़ रही हूँ। तो ये आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से दोनों साइड का मैं ये जो दूसरा भाग रहता है कटोरी के साथ जो अटैच होता है वो करके रखा था ऑलरेडी। तो कटोरी देखो मैं कुछ इस तरह से अटैच करती हूँ, और ये परफेक्ट मेजरमेंट की है इसलिए परफेक्ट आएगी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं आया है। देखो गाइस मैंने कट भी नहीं किया है। तो यहाँ पे दो सिलाई, सब जगह दो सिलाई बहुत ज़रूरी है मानना, क्योंकि ब्लाउज़ हमारी रेगुलर यूज़ के लिए होते हैं और ज़्यादातर लेडीज़ बहुत परफेक्ट टाइट ब्लाउज़ पहनती है। तो अगर दो सिलाई या 2 से 3 भी मारना पड़े सिलाई तो मार सकते हो। और अभी देख लो आप कैसे मस्त शेप आया है ना। तो अभी मैं लगा रही हूँ नीचे की पट्टी जो कि मैंने ऑलरेडी जॉइन करके रखी है नीचे की साइड, ऊपर की साइड मैं ओपन रखती हूँ ताकि ऐसे अटैच कर सकूँ। तो ये भी देख लो मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। और ये जो फ्रंट का रहता है ये कटोरी का, इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। तो सीधी सिलाई फिर हम आराम से मार सकते हैं। तो एक ही सिलाई मैंने मारी है गाइस, क्योंकि देखो ऐसे फोल्ड करके मैं फिर वापस एक सिलाई मारने वाली थी, इसीलिए मैंने एक ही सिलाई मारी। तो ये टोटल 2 सिलाई आ जाती है, और भी 3 सिलाई भी आप लगा सकते हो लगाना हो तो। तो फिर मैं कुछ इस तरह से ओपन करूँगी, देखो फ्रंट की साइड ऊपर की साइड से। अगर आप इस टेक्निक से इसको सिलोगे तो अंदर की सिलाई आपको दिखेगी नहीं, मैं दिखाना ही भूल गई गाइस। तो इस तरह जैसे फ्रंट में पट्टी आई है वैसे ही अंदर की साइड आएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बता।